विश्वक्सेन की लंबे समय से प्रतीक्षित फिल्म गामी ने आखिरकार अच्छी चर्चा के बीच नाटकीय शुरुआत की है। शंकर एक अघोर है जिसकी मानवीय स्पर्श के कारण बेहोश होने की एक दुर्लभ स्थिति है। वह द्रोणागिरी पर्वत पर उपलब्ध समाधान प्रदान करने वाले एक दुर्लभ फूल माली पत्र को खोजने के लिए यात्रा पर निकलता है। इस बीच डॉक्टरों का एक समूह मनुष्यों पर भयानक प्रयोग करता है और एक अन्य कहानी में ग्रामीण देवदासी दुर्गा की बेटी उमा की तलाश में है। निर्देशक विद्याधर का गीता, तकनीकी दल और कलाकार अपने योगदान के लिए मान्यता के पात्र हैं। विश्वक्सेन एक अघोर के रूप में अपनी भूमिका में चमकते हैं, न्यूनतम संवाद और अभिव्यंजक अभिनय के साथ एक सम्मोहक प्रदर्शन करते हैं। चांदनी चौधरी ने एक डॉक्टर के रूप में अपने चरित्र को पर्याप्त दक्षता के साथ शंकर की यात्रा में साथ दिया है। हरिका पेदादा का उमा का किरदार और मोहम्मद समद का युवा कैदी सीटी 333 का किरदार सराहनीय है। बाकी कलाकारों ने अपनी सीमाओं के भीतर ठोस प्रदर्शन किया है। हिमालय में कैप्चर किए गए कुछ दृश्य लुभावने हैं। इन पहलुओं के पीछे प्रतिभाशाली तकनीकी टीम को धन्यवाद। हालांकि कहानी दिलचस्प है, धीमी गति की पटकथा बेहतर गति वाली हो सकती थी। निर्देशक को पूरे समय गति बनाए रखने पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। फिल्म के नाटकीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयोगों से जुड़े दृश्यों को अधिक गतिशील रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त फिल्म की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ट्विस्ट के प्रकटीकरण और उसके बाद के चरमोत्कर्ष दृश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता था। नवोदित निर्देशक विद्याधर का गीता अपनी दृष्टि और एक ऐसी अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए प्रशंसा के पात्र हैं जिसकी व्यापक रूप से चर्चा नहीं हुई है। फिल्म का संगीत और छायांकन इसकी असाधारण विशेषताएं हैं, जिसमें नरेश कुमारन और विश्वनाथ रेड्डी ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किया है। कुल मिलाकर गामी एक अनोखा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। तकनीकी उत्कृष्टता के साथ विश्वक्सेन और चंदनी चौधरी का सशक्त प्रदर्शन इसकी अपील में योगदान देता है। हालांकि फिल्म धीमी गति और कभी कभी सुस्त क्षणों के कारण बाधित होती है। बहरहाल समृद्ध तकनीकी तत्वों वाली फिल्म की तलाश करने वालों के लिए गामी विचार करने लायक है। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।